हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास बिल्कुल बहुत अच्छी होने वाली है। जैसा कि लगातार जो पिछली क्लासेस चल रही हैं उसमें हमने एनिमल सेल के बारे में, प्राणी कोशिका के बारे में कम्प्लीटली आपको बताया है, और उसी क्रम में आज भी हम प्राणी कोशिका में, एनिमल सेल में कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने वाले, कुछ खास पढ़ने वाले। और आज की क्लास बिल्कुल आपके दिमाग पर दस्तक देगी, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होने वाली है। तो एक बार सारे बच्चे बिल्कुल जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी तक जल्दी से हर बच्चों को, बिल्कुल हर ग्रुप में जहां जहां आप जुड़े हैं, हर ग्रुप में इसको शेयर करिए, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बिल्कुल कुछ खास होने वाली है, बिल्कुल अलग तरीके से। क्योंकि आज का जो सेशन है ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो आज का जो लेक्चर है, आज के जो टॉपिक्स हमने लिए हैं, वहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है, या तो वो एक नंबर के, दो नंबर के छोटे छोटे सवाल होते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। और लगातार अगर हम यूपी बोर्ड का पेपर देखें एग्रीकल्चर का, तो उसमें लगातार कई विगत वर्षों से कई बार ये प्रश्न पूछे गए, ये सवाल आए हुए हैं। तो बच्चों, इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, अंत तक, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक नया नया बिल्कुल नए तरीके का कंटेंट, नए तरीके का मटेरियल आपको मिलने वाला है, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाला है। तो एक बार सारे बच्चे बिल्कुल दिल से आग लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं हूं आयुष सर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, लगातार एग्रीकल्चर के इतिहास में नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पूरी तरह से ये ठान लिया है कि एग्रीकल्चर के इतिहास में जितने भी बच्चे हैं यूपी बोर्ड से या किसी जहां से भी, जो भी बच्चे हमें एग्रीकल्चर के देख रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए बिल्कुल ये क्लास जबरदस्त होने वाली। भाई चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक बार बेटा क्लास को शेयर कर दीजिए बढ़िया से, जबरदस्त तरीके से। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके मेरे साथ, ठीक है भाई, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार सारे बच्चों का नाम लिया जाए, बहुत सारे बच्चे जुड़े हमारे साथ। ठीक है बेटा, शेयर कर दो बड़े फटाफट। सचिन, चांदनी, ठीक है, नितिन कुमार, मनीष, बिल्कुल बेटा। बॉटनी भी क्लास बहुत जल्दी होने वाली है, बॉटनी की क्लास मेरे प्यारे बच्चों बहुत जबरदस्त तरीके से मैं कराने वाला हूं, बस केवल इंतजार करिए, वो घड़ी आ रही है। क्योंकि जिस दिन से क्लास स्टार्ट होगी बॉटनी की ना, बिल्कुल रुकने वाली नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नंबर वन चैनल से आप जुड़े हैं, और उत्तर प्रदेश के नंबर वन बायोलॉजी के टीचर से भी आप जुड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने पिछली बार जो भी चीजें पढ़ाई थी वो सब के सब बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज फंसा था, वही सवाल आए थे जो मैंने पढ़ाया था। तो बच्चा बात ध्यान रखिएगा, अगर आप नंबर वन टीम से जुड़े हैं, नंबर वन एकेडमी से जुड़े हैं, तो नंबर वन टीचर से भी जुड़े हैं, जो बायोलॉजी का एक भी कॉन्सेप्ट आपको छोड़ने वाले नहीं है, हर कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, पूरा चैप्टर विद सोल्यूशन बताएंगे, कोई टॉपिक, कोई चैप्टर नहीं छूटेगा आपके एग्जाम तक, वो चाहे इलेवेंथ की बॉटनी हो, चाहे ट्वेल्थ की जूलॉजी हो, कोई भी चीज नहीं छूटेगी, ध्यान रखिएगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, दिल से आग लगा दीजिए एक बार जल्दी से, बिल्कुल, ठीक है मनीष, बिल्कुल बेटा परेशान ना हो। शिल्पी, अंशुल, प्रियांशु, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जुड़े रहिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है, धैर्य, चलिए, ठीक भाई। गौरव, अमन, दीपांशु, ठीक है, शिवा, चलिए आइए स्टार्ट करते भैया। आज क्लास क्या है बेटा, क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में, सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं यहां पे। आइए देखते हैं जरा बेटा क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट यहां पे लिखा है बेटा, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर करिए। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और आपको बताना चाह रहा हूं दिल से, कि जब तक मैं पढ़ाऊंगा केवल आप पढ़िएगा, खाली आप बात को सुनिएगा हमारी, जब मैं बोलूंगा तब आप उसका आप जवाब देंगे, तब उसका आप आंसर देंगे, वरना आप मोबाइल रख दीजिए बिल्कुल सामने और खाली पढ़िए, खाली हमारी बात को सुनिए, कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा,
क्यों आप पढ़िए, जब मैं बोलूंगा तब उसका आप रिप्लाई करिएगा। चलिए स्टार्ट करते बेटा। ओके बेटा उमेंद्र, ठीक है चलिए। गुड गुड इवनिंग भाई रायबरेली से, बहुत सारे बच्चे जो भी जुड़े हैं सभी का दिल से स्वागत भाई। ठीक है चलिए बड़ा, सबसे पहला पॉइंट लिखा है यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स, किसके बारे में? न्यूक्लियोटाइड्स। तो सवाल ये कि न्यूक्लियोटाइड्स है क्या और ये न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे, इसमें कौन कौन से लोग जुड़ते हैं तो हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। सबसे बेसिक सा पॉइंट है कि बेटा हम न्यूक्लियोटाइड तब बोलते हैं जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो सभी के सभी न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। और डीएनए है क्या? डीएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और वो जेनेटिक मटेरियल हमेशा न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होता है, क्योंकि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका मतलब हो गया कि सभी जीवित कोशिकाओं में जो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए तथा आरएनए यही होते हैं। आपको पता है डीएनए तथा आरएनए होता है, क्योंकि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है बेटा ध्यान रखना, जो न्यूक्लिक अम्ल है वो डीएनए और आरएनए होता है। तो कभी कभी सवाल पूछता है एग्जाम में कि डीएनए क्या है, आरएनए का पूरा नाम बताओ, डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर याद रखना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक, आरएनए को राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं और डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि डीएनए और आरएनए दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ है, दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल है, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए है, हमारे अंदर डीएनए आरएनए दोनों है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है मुख्यतः वो डीएनए ही है। और डीएनए आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। थैंक यू भाई, ठीक है चलिए चलिए हमारी बात समझे। तो ये दो पॉइंट याद करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा क्या लिखा है कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, मतलब इसका हो गया कि जो डीएनए और आरएनए है ये सभी के सभी बहुलक है, पॉलीमर्स है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स हम बोल सकते हैं। ये कि अगर आप डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, आरएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक होते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों ये बात समझिएगा कि जैसे मैंने अरेंज किया है पॉइंट को, ऐसे ही आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। कोशिश करिए दो से तीन बार चीजों को पढ़िए, समझिए, उसको याद करिए। चलिए आगे तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, इन्हें न्यूक्लिक अम्ल की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई भी मानते हैं। मतलब ये हो गया कि अगर न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है तो कभी भी आप डीएनए आरएनए नहीं बना पाओगे, कभी आप न्यूक्लिक अम्ल नहीं बना पाओगे, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल कुछ भी नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के ही बना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, बहुत सारे न्यूक्लिक बहुत सारे नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के, जो नाइट्रोजनस बेस है जब वो मिलेंगे, नाइट्रोजनस बेस, कुछ नाइट्रोजनस बेस होते हैं हम पढ़ेंगे आगे, अभी आगे नाम आएगा। तो यहां पर तीन पॉइंट याद करें न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। पहला तो जीवित कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए और आरएनए होते हैं, पहला पॉइंट। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, दूसरा पॉइंट। ये इन्हें न्यूक्लिक अम्ल की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को। ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इनके बिना कुछ होने वाला नहीं है। चलिए अभी बताएंगे बेटा माया, ठीक है ठीक है अभी बताएंगे माया, थोड़ा सा वेट करिए, अभी सब बताएंगे क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। बस खाली आप बात को सुनिए, मैंने क्या बोला आपसे कि आप कमेंट मत करिए, अभी अभी खाली बात को सुनिए। जब लास्ट क्लास, जब क्लास खत्म होगी तो मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या डाउट है, आप बताइएगा, मैं सारे डाउटों को क्लियर कर दूंगा। पहले आप खाली बात को समझो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। पहले ये बताइए तीनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुए, पहले ये बताओ बेटा। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं बेटा, एक नाम है नाइट्रोजनी क्षार, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर नाइट्रोजनी क्षार क्या है, जरा बता दीजिए। बेटा जो नाइट्रोजनी क्षार है, जो नाइट्रोजनस बेस है, हमारी बात सुनिएगा ध्यान से, नाइट्रोजनस बेस ये दो टाइप के होते हैं बेटा, ये दो टाइप के हैं, ध्यान रखिएगा, दो टाइप के। पहला होता बेटा प्यूरेन्स, क्या है प्यूरेन्स, और दूसरा होता है बेटा पिरीमिडिन्स। ये दो नाम होते हैं, प्यूरिन और पिरीमिडिन्स या पिरीमिडिन्स बोलते हैं। तो पहले तो आप दो नाम याद करो कि जो
नाइट्रोजनी क्षार बेटा इसमें दो नाम है, प्यूरीन्स और पिरिमिडिन्स। क्लियर है? ओके ठीक है। चलिए लोग, कोई बच्चा बोला दोबारा समझा दीजिए, समझो जरा क्या बेटा। हमने बोला जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड बेटा केवल और केवल जीवित कोशिकाओं के बारे में बात कर रहा है, लिविंग सेल के बारे में बात कर रहा है। उसी में यह न्यूक्लिक अम्ल बेटा क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और यह न्यूक्लिक अम्ल किससे बन मिलके बने होते हैं, डीएनए और आरएनए से मिलके बने होते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। और डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। दूसरा, ये जितने भी डीएनए आरएनए हैं ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, ये इसी से बनते हैं। ओके बेटा ले लेना, ठीक है, परेशान ना हो। जब मैं क्लास को जब कंप्लीट हो जाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए दूसरा, इन्हें न्यूक्लिक अम्ल की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स के बिना आप किसी का स्ट्रक्चर नहीं बनाते, क्योंकि हमें नाइट्रोजनी क्षार चाहिए। तो मैंने बोला कि जो नाइट्रोजनी क्षार बेटा ये हमारे पास दो प्रकार के हैं, पहला है प्यूरिन्स और दूसरा बेटा क्या है, पायरिमिडिन्स। पहले इसको याद कर लो कि जो नाइट्रोजनी क्षार है दो प्रकार के, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स होते हैं। ये दोनों नाम जरूर याद रखना, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बेटा नाइट्रोजनी, सवाल पूछेगा नाइट्रोजनी क्षार है क्या, कितने प्रकार के हैं, दो, पहला है प्यूरिन्स, दूसरा क्या है, पिरिमिडिन्स। क्लियर है, बताइए। ओके ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा क्या है नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा दूसरा बेटा लिखा है, यहां पर लिखा है प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण निम्न तीन अणुओं से होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर आप कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो बेटा, अगर आप न्यूक्लियोटाइड्स को बना रहे हैं, आप न्यूक्लियोटाइड्स को बना रहे हैं, तो ध्यान रखना जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं वो हमेशा तीन लोगों से मिलकर बने होंगे। जैसे मैंने बोला कि न्यूक्लियोटाइड को बनाना है तो कितने लोगों को लगाना पड़ेगा, तीन लोगों को। जैसे पहला लिखा बेटा पांच कार्बन वाली शर्करा, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला हम बोल सकते हैं ऐसे, इसको बोलेंगे पेंटोज शर्करा। क्या बोलेंगे, पेंटोज शर्करा बोलते हैं, या बोलेंगे पांच कार्बन वाली शर्करा। दूसरा बेटा न्यूक्लियोटाइड लिखा है, न्यूक्लियोटाइड तो लिखा है, या इसे बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस, क्या बोलेंगे, तथा राइबोस शर्करा। तो पेंटोस शर्करा क्या हो गया, दो नाम, या तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा या तो राइबोस शर्करा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम बेटा यहां पे बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा हमारे पास आता है बोलते नाइट्रोजनी क्षार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाइट्रोजनी क्षार। और तीसरा बेटा हमारे पास आता है फॉस्फेट समूह, क्या बोलेंगे, फॉस्फेट समूह बोलेंगे। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर हमें न्यूक्लियोटाइड्स बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमारे पास तीन नाम होने चाहिए, पहला है पेंटोज शर्करा, दूसरा है नाइट्रोजनी क्षार और तीसरा है फॉस्फेट समूह। तो पहला तो यहां पे मैंने लिख दिया, ये क्या बेटा पांच कार्बन वाली शर्करा, वो चाहे डीऑक्सी राइबोस शर्करा है, और क्या लिखा है, राइबोस शर्करा। बताइए क्लियर है इतनी बात बेटा, मिल जाएगा, परेशान ना हो, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है, मैं बोल दूंगा आपको पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान बिल्कुल नहीं होइए। चलिए क्लियर है, पहले बताओ इतनी बात क्लियर है। तो बेटा कोई भी न्यूक्लियोटाइड को बनाना है, ध्यान रखना जब टाइड बोले, टाइड याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड बोला जा रहा है तो न्यूक्लियोटाइड में तीन नाम है, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट समूह। ये तीनों मिल करके बेटा क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, ये तीनों मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। फिलहाल अभी यहां पे मैंने केवल एक लिखा है, पांच कार्बन वाली शर्करा। आइए दूसरा देखते हैं जरा क्या है, दूसरा क्या लिखा है, दूसरा बेटा इसी में लिखा है ये क्रमशः डीएनए तथा आरएनए में पाई जाती है, जो पांच कार्बन वाली शर्करा है, ठीक है। दूसरा लिखा है फास्फोरिक अम्ल, क्या लिखा है बेटा, फास्फोरिक अम्ल या फास्फेट समूह बोली। और तीसरा नाइट्रोजनिस बेस या नाइट्रोजनी क्षार। तो इसका मतलब हो गया जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन लोगों से मिलकर बना है बेटा, तीन लोगों से। पहला है क्या आपके पास, पांच कार्बन वाली शर्करा, पेंटोज शर्करा। दूसरा हमारे पास क्या बेटा, दूसरा नाम हमारे पास फास्फेट समूह, और तीसरा हमारे पास है नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनी क्षार। और अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार की होती है, लिखा है
यही नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन्स होता है और पायरिमिडीन्स होता है। ठीक है, क्या होगा बेटा? ठीक है, प्यूरीन्स और क्या बेटा? पायरिमिडीन्स होते हैं। बताइए, क्लियर इतनी बात? तो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स ये दोनों ही नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। इसके बारे में आगे बात कर रहे हैं, इधर बात करते हैं आगे। यहां पे लिखा है बेटा, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लिखा है प्यूरीन्स, क्या लिखा है? प्यूरीन। और दूसरा बेटा क्या लिखा है? पायरिमिडीन। मैंने अभी बोला आपको, मैंने बोला कि जो नाइट्रोजनी क्षार है, मेरे प्यारे बच्चों समझ लीजिएगा ध्यान से, जो नाइट्रोजनी क्षार है, जो नाइट्रोजनी क्षार है, पहला नाम यहां पे लिखा है और दूसरा नाम यहां पे लिखा है। पहला बेटा क्या लिखा है? प्यूरीन्स। क्या लिखा है? प्यूरीन्स लिखा है। क्या लिखा है? प्यूरीन्स। और दूसरा बेटा लिखा है पायरिमिडीन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले चीजों को समझ लीजिए आप, क्योंकि तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा बेटा, जो प्यूरीन्स है ये एडेनिन और ग्वानिन से मिलके बना होता, मतलब ए लिख दो और क्या लिख दो? जी लिख दो। एडेनिन, ए मतलब हो गया एडेनिन, यहां लिख रहा हूं ए मतलब एडेनिन, और जी मतलब क्या हो गया? ग्वानिन। इसका मतलब हो गया जो प्यूरीन्स है वो दो लोगों से मिलकर बना है, ध्यान रखिएगा, पहला एडनीन और दूसरा ग्वानीन। यह डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। एडनीन और ग्वानीन क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन पिरिमिडीन लिखा, पिरिमिडीन यह थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल से मिलकर के भैया क्या होते हैं? बने होते हैं। लेकिन थायमीन केवल डीएनए में और यूरेसिल केवल आरएनए में पाई जाती है, बात बिल्कुल सही है। मतलब नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चों, समझो जरा इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने लिखा यहां पे, हमारी बात समझो बेटा, समझो समझो, ठीक है। दो जरा कैसे, मैंने यहां पे लिखा डीएनए, मेरे प्यारे बच्चों समझ लीजिए, ये क्या लिखा मैंने? डीएनए। और यहां पे मैंने क्या लिखा बेटा? आरएनए। तो जो बच्चे हमसे पूछ रहे थे डीएनए और आरएनए में सर जी अंतर बता दीजिए, तो बेटा आप, आपके सामने आ चुका है डीएनए आरएनए में अंतर कैसे पढ़ोगे। देखो पहला पहला बेटा समझो, मैंने बोला प्यूरीन, अगर डीएनए है तो यहां पर बेटा एडिनिन पाया जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों समझो, एडिनिन पाया जाएगा। यहां पर बेटा थायमीन पाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर थायमीन क्या होगा? पाया जाएगा। तीसरा यहां पर बेटा क्या होगा? थायमीन पाया जाएगा। तीसरा एडिनिन, थायमीन, और उसके बाद क्या होगा? ग्वानिन, ग्वानिन। और तीसरा बेटा क्या होगा? साइटोसिन। क्या होगा? साइटोसिन। ये तीन नाम लिखे बेटा, कितने नाम? तीन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। लेकिन यहां देखो जरा क्या होगा, यहां पर भी एडेनिन होगा, यहां पर एडेनिन होगा, यहां पर थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? यूरेसिल। यहां पर बेटा क्या होगा? ग्वानिन। क्या होगा बेटा? ग्वानिन। और यहां पर क्या होगा? साइटोसिन। तो अगर आप ध्यान से देखिए हमारी बात, ध्यान से समझो कि डीएनए आरएनए में मुख्य अंतर क्या है बेटा, डीएनए में थायमीन तो पाया गया लेकिन आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल पाया गया, यही चीज यहां लिखी है। ठीक है मोहनी, ठीक है, अभी आवाज क्लियर है? चलिए बताइए जरा, क्लियर? बोलो बोलो भाई, यस यस, जल्दी बताइए। ठीक है, बताइए, क्लियर है? तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? डीएनए और आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? डीएनए और आरएनए। तो डीएनए में बेटा क्या हो गया? एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। केवल एक अंतर याद करिए, एक अंतर, डीएनए में थायमीन पाया जाता है, आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। या मैं ऐसे बोलूं कि डीएनए में थायमीन पाया गया लेकिन डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया गया, आरएनए में यूरेसिल पाया गया लेकिन आरएनए में थायमीन नहीं पाया गया। अगर आप इस बात को समझ लीजिए तो जल्दी यस यस करके बताओ भाई। ओके गौरव, टांडा से भी जुड़े हैं बेटा बहुत सारे बच्चे। एक बार बेटा क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि चीजों को बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, कठिन नहीं कोई चीज। यस यस करके बताओ बेटा, टेंशन ना लो नवीन, ठीक है,
परेशान ना हो। एक बार जल्दी बताइए, क्लियर इतना पॉइंट? जल्दी सारे बच्चों भाई बताओ, ये एसएस करके जल्दी एक बार शेयर कर दो भाई, क्लास को मजा आ जाए। चलिए, तो यहां पर वही लिखा है प्यूरीन। प्यूरीन में दो नाम है बेटा, एडिनिन और कौन है ग्वानिन, और पायरिमिडीन में बेटा कौन है, यहां पर थायमीन है, साइटोसिन और कौन है यूरेसिल। तो बताइए इतने पॉइंट क्लियर है? चले चलिए, नमस्ते भैया, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा, आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा बेटा यहां पे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एटीपी के बारे में। किसके बारे में बेटा? एटीपी। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा, एटीपी क्या है? अब याद करो कि एटीपी का नाम क्या है। जरा सारे बच्चे हमें कमेंट करके बताइए कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से, और देखते हैं आपने क्या पढ़ा है। दिल से बताइए एटीपी का पूरा नाम क्या है। उत्तम, ठीक है बेटा, उत्तम सुल्तानपुर से, शुभम, ठीक है बेटा, जल्दी बताओ एटीपी का पूरा नाम, सारे बच्चे बताइए क्या है। ओके बेटा शुभम, ठीक है, थैंक यू, जल्दी बताओ तो बेटा सारे बच्चे एटीपी का पूरा नाम, देखते हैं कौन बताता है। अभिषेक, अतुल, जय, ठीक है बेटा, तनिषु वर्मा, ठीक है बेटा तनिषु, ठीक है, गुड इवनिंग योगेश, वेरी गुड योगेश। एडिनिन ट्राई फास्फेट बोल रहे हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, एडिनोसिन ट्राई, बिल्कुल भैया नवीन, वेरी गुड नवीन, वेरी गुड, वेरी गुड यूट्यूबर, ठीक है भाई, बिहार, ठीक है, हिमांशु ठाकुर देवरिया से, बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा हिमांशु। चलिए जल्दी बता दो एटीपी, अमीनो, इंडू, इंडोसलैंड, ओहो सुधीर, ठीक है भाई, जल्दी बताओ तो बेटा क्या है। तो यहां पर इसका नाम बेटा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट इसका नाम होता है बेटा। बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी गलत लिखते हैं, तो गलत मत लिखिए, इसी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं, ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। आपको इंग्लिश वर्ड सही लिखना है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है आप इंग्लिश वर्ड गलत लिख देते हो आपका नंबर कट जाता है, तो पहले आपको नंबर आपके अंग्रेजी सुधार करनी भी, इंग्लिश वर्ड, ठीक है मोहिनी, ठीक है नवीन, ठीक है सफरोज, ठीक है बेटा आजमगढ़ से, चलिए बहुत बढ़िया, संतोष पाल, ओके, तो पहले तो इंग्लिश वर्ड सही करिए, आगे देखते हैं जरा क्या लिखा है बेटा। लिखा है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, सबसे पहला पॉइंट लिखा है एटीपी, बेटा जो एक एटीपी होती है इससे हमें 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे पहला पॉइंट याद करिए कि एक एटीपी से हमें 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये बात ध्यान रखना, एक एटीपी से, ध्यान रखिएगा। और हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज के टूटने से लगभग 38 एटीपी का निर्माण होता है, यह भी याद करिएगा कि एक ग्लूकोज के टूटने से, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के टूटने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसी वजह से हम एटीपी को, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा। और इस एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इस एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल, इसे हम ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं, एनर्जी का सिक्का बोलते हैं, बिल्कुल सही बात, ऊर्जा का इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, सिक्का बोलते हैं, बिल्कुल सही, ऊर्जा का सिक्का, वेरी गुड। आगे तो बेटा लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया में भोज पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त गतिज ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है। मतलब इसका हो गया, जब ऑक्सीकरण फास्फेटीकरण होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहां पर ग्लूकोज के टूटने के बाद एटीपी का निर्माण होता है। वही मैंने बताया कि अगर ग्लूकोज टूटेगा तो यही ग्लूकोज टूट करके 38 एटीपी देता है, यही ऊर्जा देगा हमें, ठीक है। आगे कार्तिकेय, ठीक है, अगला पॉइंट, एटीपी कोशिका की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा स्थानांतरण का भी कार्य करती है। इसका मतलब हो गया कि अगर आप इस तरीके से एग्जाम में लिख के आएंगे एटीपी, देखो होता क्या कभी कभी कि आपको एक पेज भरना होता, दो पेज भरना होता, मान लो उसने दे दिया
एटीपी के बारे में वर्णन करिए। तो बेटा एटीपी के बारे में वर्णन करने के लिए आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना पड़ेगा और आपको डेढ़ पेज लिखने पड़ेंगे, डेढ़ पन्ने लिखने पड़ेंगे, और उसको लिखने के लिए आपको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। और वो कैसे करोगे आप, मैं आपको यहां बता रहा हूं बेटा, ध्यान से खाली सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ठीक है दिवाकर। आगे आगे लिखा है, इसीलिए इसे उपापचय जगत का सिक्का या ऊर्जा का दलाल भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे जगत में सबसे ज्यादा जो हमें एनर्जी देता है, जिस रूप में हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हमें किस रूप में मिल रही है, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिल रही है, एटीपी के रूप में मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा, एटीपी के रूप में मिल रही है। और उस एटीपी को बनाने वाला हमारे पास कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बनाया था, मैंने बताया था कि जहां पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रहा है, ऑक्सीकरणीय फास्फेटीकरण हो रहा है, वहां पर ग्लूकोज टूट करके, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के बाद हमें एटीपी मिलती है, और वो भी एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, 38 एटीपी। और अगर सोचो एक एटीपी से हमें 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, तो 38 से कितना मिलेगा, तो आप गुणा कर सकते हैं, 7.3 गुणे 38, आप गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा टोटल, एक ग्लूकोज से टोटल हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ओके बेटा, ओके ओके बेटा उमेश, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्लास को एक बार बेटा शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। चलिए जरा सारे बच्चों में मल्टीप्लाई करके बताओ, 7.3 से अगर आप 38 से 38 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा, सारे बच्चे भाई जल्दी से बताओ आंसर कितना आंसर आएगा। इसका मतलब एक ग्लूकोज के टूटने से टोटल कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और देखते हैं कितने बच्चे हमें आंसर बताते हैं, जल्दी बताओ भाई, कितने बच्चे हमें आंसर बताएंगे, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। बिल्कुल, एक बच्चे ने पूछा सर एटीपी और एडीपी में क्या अंतर है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाह रहा हूं एटीपी और एडीपी में क्या अंतर है, बता दे रहा हूं भाई। शिवम सिंगारे पूछे हैं कि क्या डिफरेंस है, बताओ भाई, जूली 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 जल्दी बताओ भाई, जूली जल्दी बताइए, चलिए दो जरा। एक बच्चे ने पूछा कि सर एडीपी प्लस आईपी से बनता है एटीपी, चलो दो बेटा क्या है, देखो बेटा क्या हो जाएगा, एक बच्चे ने पूछा है एडीपी, इसका नाम होता है बेटा एडिनोसिन, इसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये नाम होता है, और आईपी का नाम होता है बेटा अकार्बनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या अकार्बनिक फॉस्फोरस या फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट बोलते हैं, समझो जरा, अकार्बनिक फॉस्फेट। तो दो फॉस्फेट यहां पर होता है और एक फॉस्फेट यहां पर होता है, तो दो एक कितने हो गए बेटा, तीन, तो यहां पर तीन फॉस्फेट हो जाते हैं, तीन फॉस्फेट समूह हो जाते हैं, तो इसका मतलब हो गया एटीपी और एडीपी में बेटा एक अंतर है, इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसको बोलते हैं अकार्बनिक फॉस्फेट, और यही जब दोनों मिलते हैं तो बेटा एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एटीपी टूटेगा तो इन दोनों में टूटेगा, और ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, एटीपी, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, साम्यावस्था, बताओ क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर है इतना पॉइंट, चले आगे, चलिए ओके बेटा, चलिए भाई मोहिनी थैंक यू, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट, इतना पॉइंट क्लियर हो गया, आइए आगे देखते हैं जरा क्या है बेटा। अगला पॉइंट लिखा है कि इसके बारे में सबसे पहली बार एटीपी के बारे में लिपमैन ने बताया था, किसने बताया था, लिपमैन, ध्यान रखिएगा एटीपी के बारे में लिपमैन, एटीपी का निर्माण एक अणु प्यूरीन क्षार
एडिनिन और एक अणु राइबोस शर्करा से क्या होता भैया, तथा तीन अणु फास्फोरिक अम्ल के मिलने से होता है। इसका मतलब एटीपी बनाओगे तो हमें इन सभी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यह हमें चाहिए। और लिखा है एडिनिन नाइट्रोजनी क्षार तथा राइबोस शर्करा मिलकर के एडिनोसिन नामक न्यूक्लियोसाइड बनाता है। बेटा ध्यान रखना, सवाल पूछा गया है कि अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि न्यूक्लियोटाइड्स, ध्यान रखना बेटा, न्यूक्लियोटाइड और एक नाम और है न्यूक्लियोसाइड्स, ध्यान रखिएगा क्या डिफरेंस बता रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है। बेटा ध्यान रखना, जो टाइड है टा से टाइड, टाइड को बनाने के लिए हमारे पास तीन लोग चाहिए। पहला है नाइट्रोजनी क्षार, मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझ लेना, पहला है नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा बेटा क्या है फॉस्फेट समूह, क्या है फॉस्फेट समूह, और तीसरा बेटा क्या है राइबोज शर्करा, क्या है बेटा राइबोज शर्करा, वो भी पेंटोज पांच कार्बन वाली राइबोज शर्करा। लेकिन बेटा अगर हमें न्यूक्लियोसाइड बनाना तो केवल दो चीज चाहिए, क्या क्या, केवल दो चीज, नाइट्रोजनी क्षार चाहिए, ध्यान रखना नाइट्रोजनी क्षार चाहिए, और केवल यहां पर राइबोज शर्करा चाहिए पांच कार्बन वाली, राइबोज शर्करा चाहिए पांच कार्बन वाली। यहां पर फास्फेट समूह की जरूरत नहीं पड़ती, और यहां पर फास्फेट समूह की जरूरत पड़ती है, यह भी सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, आवाज ठीक भाई क्लियर है, चलिए ओके। एक बार बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, एक बार आवाज ठीक भाई, वीडियो को लाइक जरूर करिए, मजा आ जाएगा भाई, चलिए क्लियर है। पहले इसको बताओ, इतना पॉइंट में आया कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, वही चीज यहां लिखी गई है। तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमारे पास नाइट्रोजनी क्षार तथा राइबोज शर्करा चाहिए, और न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमारे पास तीन लोग चाहिए, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेट समूह और राइबोज शर्करा। बोलो बेटा क्लियर है, क्लियर है भाई, चलिए एक बार यस यस करके बताइएगा, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। पर लिखा है एडिनोसिन फास्फोरिक अम्ल अणुओं में मिलकर क्रमशः एएमपी एडीपी तथा एटीपी बनाते, बहुत सारे फास्फोरिक अम्ल के अंतिम में दो अणु ऊर्जा बंधक क्या होता बेटा जुड़े होते हैं, जैसे आप फिगर देख सकते हैं यहां पे, एटीपी जब करेगा एडीपी प्लस फास्फेट 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है हमें, ये पूरा रिएक्शन लिखी गई है, एडिनिन राइबोस फास्फेट ये सब रिएक्शन यहां पे लिखे गए हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं क्योंकि सिंपल सा है ये, कुछ भी नहीं है। आइए आगे बात करते हैं, इसी में लिखा बेटा एटीपी ऊर्जा मुक्त करके एडीपी में बदल जाता है, वही मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि अगर एटीपी है ये बेटा टूटेगा एडीपी प्लस किसमें बेटा आईपी, ये रिएक्शन आपको याद होने चाहिए क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जब एटीपी टूटेगा तो एडीपी प्लस आईपी बनाएगा, ठीक है ओके बेटा ओके ओके चलेगी चलेगी। आगे फिर लिखा बेटा एडीपी पुनः ऊर्जा ग्रहण करके एटीपी का निर्माण कर देता है, उल्टा हो जाएगा, क्या होगा बेटा फिर से एडीपी कौन जुड़ेगा आईपी, क्या बनाएगा एटीपी, ये प्रोसेस बार बार होती है हमारे बॉडी के अंदर, एक बार एटीपी टूटेगा तो ये बनाएगा, एक बार ये जुड़ेगा तो ये बनाएगा, इसका मतलब हो गया एटीपी टूटेगा तो एडीपी प्लस आईपी, और एडीपी प्लस आईपी अगर जुड़ेगा तो क्या बनाएगा एटीपी, वही बात यहां पे लिखी जा रही है कि अगर एडीपी पुनः ऊर्जा ग्रहण करके एटीपी बनाने का निर्माण कर रहा है तो कैसे कर रहा है, यहां लिखा है एडीपी प्लस आईपी बराबर एटीपी, और अगर टूट रहा है एटीपी टूट रहा है एडीपी प्लस आईपी में, क्लियर है, जरा बताइए एक बार एसएस करके, यस चलिए। और आगे लिखा बेटा इस प्रक्रिया में लगभग 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त या संचित होती है, बेटा हमने आपको बताया कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 7.3 बोलो
चाहे 7.6 बोलो, लगभग अप्रोक्सीमेटली, यहां लिखा है बेटा लगभग, लिखा है लगभग, तो 7.6 के आसपास हमारे पास ऊर्जा मिलती है एक एटीपी के टूटने से। जो हमें ऊर्जा मिलती है ना वो 7.6 किलो कैलोरी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए क्लियर है भाई इतना पॉइंट? अगर क्लियर है तो एक बार एसेस करके बता दीजिए। आइए आगे बात करते हैं, एटीपी के कार्य क्या है। एटीपी के कार्य जल्दी बताइए भैया, पहला पॉइंट क्या लिखा बेटा कार्य में, पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके राहुल, ठीक है लिखा बेटा, एटीपी निम्न जैविक क्रियाओं के लिए बेटा ऊर्जा प्रदान करती है। तो पता है जो एटीपी है यह मेन, इसका मेन फंक्शन है ऊर्जा देना। एटीपी बनी इसलिए ऊर्जा देने के लिए। देखा पेशी गति या पेशी संकुचन के फलस्वरूप प्रचलन होता है। एटीपी के बिना कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। अगर मैं हाथ हिला रहा हूं, पेशी संकुचन, मसल संकुचन कर रहा हूं, तो बेटा कौन करा रहा है? एटीपी। पेशियां कार्य के लिए ऊर्जा एटीपी से ही प्राप्त करती है। इसका मतलब आप कुछ भी करो, आप घूम रहे हो, वर्क कर रहे हो, जिम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो हमारी मांसपेशियां वर्क कर रही हैं। और वो वर्क किस वजह से कर पा रही है? क्योंकि हमें क्या मिल रही है? एटीपी मिल रही है। क्या मिल रही बेटा? एटीपी। क्या मिल रही बेटा? एटीपी मिल रही है। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या लिखा है? लिखा है जैव संश्लेषण द्वारा जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। भाई एटीपी चाहिए तो एटीपी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। एटीपी है तो हर चीज का भी आप चीजों को बना सकते हैं। इसमें मरम्मत तथा वृद्धि भी होती है। ठीक है, आगे लिखा है अपेशी क्रियाओं जैसे उत्सर्जन, अवशोषण, श्रावण, संवहन आदि क्रियाओं में सहायता करता है। इसका मतलब हो गया कि एटीपी के बिना आप कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, कुछ भी आप करो, वहां पर एटीपी की जरूरत है। तो ये बेसिकली पॉइंट आपको दिए गए समझने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर एटीपी क्या क्या कर पा रही है, क्या क्या कर रही है। क्योंकि बिना एटीपी के कोई भी वर्क नहीं हो सकता हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है भाई, चलिए आइए बात करते हैं आगे थोड़ा सा। और भी बात क्या लिखी है? लिखा तंत्रिका कोशिकाओं में उद्दीपन के प्रसारण में भी सहायता करता है। मतलब एटीपी चाहिए, एटीपी के बिना कोई भी उद्दीपन नहीं हो रहा है। जैसे किसी ने मुझे टच किया, ऐसे टच किया तो यहां पर भी एनर्जी खर्च हुई, एनर्जी लगी, एटीपी लगी। वो भले थोड़ी सी लगी हो बट एनर्जी लगी वहां पर। आगे कुछ जीवधारियों में एटीपी की ऊर्जा प्रकाश या विद्युत में बदल जाती है तथा यह सुरक्षा पोषण में सहायता करती। बिल्कुल। तो ओवरऑल कहने का मतलब बेटा क्या है कि एटीपी हमारी बॉडी के अंदर कितना बड़ा रोल अदा कर रही है। अगर हमें भूख लगती है, हम खाना ना खाएं, तो हमें लगता है बिल्कुल हमारी बॉडी इनएक्टिव हो गई, क्योंकि उसमें एटीपी नहीं मिल रही हमें। और एटीपी हमें तभी मिलेगी जब हम बाहर से कोई फूड लेंगे जिसका ऑक्सीकरण हो हमारी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी का इस्तेमाल चाहिए। इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, बात ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, ठीक भाई, आप यहां पे देख पा रहे हैं स्लाइड में, ऑनलाइन हाइब्रिड बैच भैया चल रहा है धुआंधार। आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप और यहां से आप पढ़ सकते हैं भाई यूपी कैडेट के लिए। आइए अगला पॉइंट लिखा बेटा आरएनए के बारे में, आरएनए की संरचना तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट है बेटा आरएनए के बारे में। ठीक है कि आरएनए क्या है, आरएनए के बारे में पढ़ना है बेटा। चलेगी क्लास, परेशान ना हो, सारी क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल परेशान बिल्कुल मत होइए, लगे रहिए बस। आइए देखते हैं जरा क्या है बेटा आरएनए। सबसे पहला सवाल है कि आरएनए का नाम बताइए, पूरा नाम। जरा एक बार जल्दी सारे बच्चे बताइए जरा आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से भाई शेयर कर दो फटाफट। एक बार सारे बच्चे आरएनए का पूरा नाम बता दो। ओके बेटा, ओके, सुना देंगे सुना देंगे जल्दी सुनाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जल्दी बताइए, आरएनए का जल्दी नाम बता दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार बता दीजिए, मजा आ जाए। हाँ जल्दी से जल्दी से, आज लगता है बहुत सारे बच्चे अभी सो रहे हैं।
ऐसा लग रहा कि बिल्कुल जब एग्जाम पास आएगा तभी लगता है उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बच्चों तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैंने क्या बोला है, सारे बच्चे बिल्कुल टाइम टू टाइम क्लास करिए, क्योंकि तो आप चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, दबाव महसूस नहीं होगा आपके ऊपर। जैसे एग्जाम पास आएगा बिल्कुल आप फ्री रिलैक्स रहेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइबो न्यूक्लिक अम्ल, बिल्कुल वेरी गुड। तो बेटा इसे बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यही कोशिका द्रव्य में, कोशिका अंगकों में तथा केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे मान लो यहां पर अगर ये कोशिका है बेटा, तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भरा है, और यहां पर बेटा ये राइबोसोम आरएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? तो हर कोशिका द्रव्य के अंदर ये आरएनए प्रेजेंट होगा, हर कोशिका अंगक के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट, इन सभी के अंदर बेटा आरएनए पाया जाएगा, केंद्रक के अंदर आरएनए पाया जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आरएनए का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर प्रोटीन्स बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके ओके, चलिए हमारी बात समझे, समझे हमारी बात। तो कभी कभी क्या होता है कि जो आरएनए है, ये आरएनए बेटा प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि बिना आरएनए के प्रोटीन निर्माण नहीं हो सकता है, बिना आरएनए के प्रोटीन निर्माण नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और सवाल ये कि ये पाया कहाँ जाता है, ये भी याद करिएगा कि जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल है यह कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, कोशिका अंगकों के अंदर भी पाया जाता है, और तीसरा केंद्रक के अंदर तो पाया ही जाता है। तो आरएनए का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, बहुत ज्यादा रोल। ठीक है बेटा, ठीक बेटा, ओके, आइए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है? बेटा लिखा बेटा इसका निर्माण एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, लिखा है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला से होता है। मतलब बहुत सारी जब न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगी तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, ये दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बने होते हैं। बहुत सारी श्रृंखलाएं हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स की। लिखा न्यूक्लियोटाइड्स में, अभी मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड में राइबो शर्करा है, फास्फोरिक अम्ल है जैसे एडिनिन, जैसे ग्वानिन, और क्या बेटा यूरेसिल, तथा क्या बेटा साइटोसिन नामक नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। तो बेटा ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप आरएनए को बना रहे हैं तो आरएनए को बनाने के लिए हमारे पास चार नाइट्रोजनी बेस चाहिए। कितने बेटा? चार। पहला हमारे पास क्या है? एडिनिन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, एडिनिन। दूसरा बेटा क्या हमारे पास? ग्वानिन। तीसरा हमारे पास बेटा क्या है? यूरेसिल। क्या है? यूरेसिल। और चौथा हमारे पास क्या है? साइटोसिन। क्या नाम है? साइटोसिन। ये चार भैया आरएनए को बनाने मदद करते हैं। और मैंने बताया कि डीएनए के अंदर कभी भी यूरेसिल नहीं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूरेसिल, यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, और आरएनए में तो यूरेसिल पाया जाएगा, आरएनए में यूरेसिल। कमल किशोर, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बोलिए क्लियर इतनी बात, ठीक बेटा। अरे बेटा चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बने होते हैं। दोनों, कोई भी बात करो, चाहे डीएनए की बात करो चाहे आरएनए की बात करिए। चलिए आगे, पहले बताओ इतना पॉइंट क्लियर है बेटा? तो यहां पर ये जो सारे के सारे पॉइंट लिखे हैं, ये पूरा का पूरा पॉइंट मैंने बेटा यहां पर लिख दिया, ये आपको याद होना चाहिए ये कि क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। क्लियर है? जल्दी बताइए इतना पॉइंट क्लियर है? आइए आगे देखते हैं क्या है, और भी कुछ पॉइंट लिखा है किसके बारे में? आरएनए, क्योंकि हम लोग आरएनए पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आरएनए। तो लिखा बेटा कि स्थान से स्थान पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के कुंडलित होने हो जाने से नाइट्रोजनी बेस क्या होता है बेटा? जोड़ा बना लेते हैं। मतलब अगर आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना है तो बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं जोड़नी पड़ेंगी, 1 2 3 4, बहुत सारी। जब बहुत सारे जुड़ेंगे तभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा।
तभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होगा बेटा, बनेगा एडेनिन यूरेसिल से ग्वानिन साइटोसिन के स्थान से हाइड्रोजन बंध जोड़ा जोड़ते हैं। जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा है, एडेनिन क्या लिखा बेटा, ए टी, और यहां पे क्या लिखते हैं, जी और सी। ये तो आपका किसमें हो गया, डीएनए के अंदर, और यहां लिखा है एडेनिन किसके साथ, यूरेसिल के साथ, और ग्वानिन किसके साथ, साइटोसिन के साथ। ये आपका आरएनए में हो गया, ये आरएनए के अंदर पाया जाता है और ये डीएनए के अंदर पाया जाता है। लेकिन अंतर क्या है, एडेनिन थायमिन से दो हाइड्रोजन बंध बना रहा है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बंध बना रहा है, जबकि यहीं पर आरएनए में आप देखो एडेनिन किसके साथ जुड़ रहा है, यूरेसिल, और यहां पर एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ रहा है डीएनए में, और एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ रहा है किसमें, आरएनए में। ग्वानिन साइटोसिन आरएनए, ग्वानिन साइटोसिन डीएनए, इसका मतलब अंतर क्या है, अंतर खाली इतना है कि एडेनिन थायमिन डीएनए, एडेनिन यूरेसिल आरएनए, दो हाइड्रोजन बंध यहां पर है, दो हाइड्रोजन बंध यहां पर है, तीन यहां पर, तीन यहां पर, वही लिखा है यहां पे, एडेनिन यूरेसिल से ग्वानिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। लेकिन ये बात तुम्हें जानना जरूरी है कि एडेनिन यूरेसिल के साथ दो हाइड्रोजन बंध बना रहा है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बंध बना रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बेटा डीएनए से प्रोटीन नहीं बनता, डीएनए से प्रोटीन नहीं बनता, डीएनए से आरएनए बनता है, ये हम बोल सकते हैं डीएनए से आरएनए बनेगा। ठीक है, ठीक है, बताइए इतना पॉइंट क्लियर बेटा, जल्दी से असेस करके बताओ जरा एक बार, क्या ये जो बात मैंने बताई है ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि तो आप ये बात जानना जरूरी है कि डीएनए में क्या कंडीशन है और आरएनए में क्या कंडीशन है। यहां पर एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ रहा है, दो हाइड्रोजन बंध बना रहा है, और यहां पर एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ रहा है, दो हाइड्रोजन बंध बना रहा है। ये बात बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, बहुत जरूरी है बेटा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ओके बेटा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, कैसे बनेगा लोग बता दे रहे हैं थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे बार बार उंगली कर रहे हैं, बार बार उंगली कर रहे हैं कैसे। दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ये डीएनए लिखा, मेरे प्यारे बच्चों समझो, ये डीएनए मैंने लिखा डीएनए, तो डीएनए बेटा आरएनए बनता है, डीएनए से क्या बनेगा आरएनए, और आरएनए से ही बेटा क्या बनती है प्रोटीन, क्या बनेगी प्रोटीन। ये आप याद करके लीजिए, ये सीक्वेंस याद कर लो, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से ही प्रोटीन बनती है, क्लियर है। तो डीएनए से आरएनए ये बोल सकते हैं, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, कभी डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनती है, ध्यान रखना डीएनए से कभी डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनती, ये बात क्लियर कर लीजिए भाई, ठीक है। हेमेंद्र कुमार, ठीक बेटा, क्या लिखते हो बेटा, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके दिमाग में चीजें बनती हैं, ये रियल है, आप कभी सोच के देखिए। बिल्कुल 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 ओमेंद्र, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा, आप कभी ट्राई कर लीजिए, कभी आप सोचिए, आप कुछ अच्छा करिए, आप अच्छा सोचिए आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा सोचिए आपके साथ बुरा होगा, ये नेचर है, नेचुरल है। किसी साइंटिस्ट ने कहा है बहुत अच्छी बात, किसी फिलोसफर ने बोला, साइंटिस्ट ने नहीं बोला है, कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो जितना स्ट्रगल करेगा, स्ट्रगल फॉर एन एग्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो नेचर में प्रकृति में जितना स्ट्रगल करेगा नेचर उसको उतना ज्यादा सेलेक्ट करती है, और जो नेचर के साथ अपोजिट करेगा नेचर उसको उतना रिजेक्ट करती है। ये कॉन्सेप्ट है, भगवान को किसी ने नहीं देखा है, बट सोचो पेड़ पौधे पशु पक्षी हमारे पास, ये सब भगवान के रूप में है, रियल है, ये सब भगवान के रूप में, हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, भगवान कहाँ है, हम लोग भगवान को मंदिर में खोज रहे हैं, भगवान मंदिर में नहीं बैठा, हमारे आसपास बैठा, हमारे अगल बगल बैठा है, जैसा हम करते हैं उसका फल वैसा मिलता है। तो बच्चों याद रखना, पढ़ाई दुनिया का एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसा रास्ता है जिससे आप दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं,
अगर आप पढ़ाई से भटके तो दुनिया में समझ लीजिए आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एजुकेशन शिक्षा ही एक ऐसी पॉलिसी है जिसको पकड़ करके पढ़ करके आप आगे बढ़ जाएंगे और आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक भाई, होगा होगा, हाँ बिल्कुल बेटा धीरू मिश्रा, इसे बेटा इसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं, जब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं, बिल्कुल सही, इसको पूरा का पूरा सेंट्रल डोगमा कहेंगे। और इसको बताने वाले थे क्रिक, एक साइंटिस्ट, उनका नाम था क्रिक, वेरी गुड, ओके बेटा, ओके ओके, चलिए भैया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सारे बच्चे बिल्कुल। चलिए आइए देखते हैं, चलो आगे, इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं बेटा आरएनए के प्रकार के बारे में, कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आइए देखते हैं जरा क्या है लिखा बेटा, आरएनए के प्रकार के बारे में बात कर रहा है, टाइप ऑफ आरएनए के बारे में बात कर रहा है। पहला पॉइंट, ये तीन प्रकार के आरएनए होते हैं, पहला बेटा हम इसको बोलते हैं तीन, शॉर्ट में देखो भैया तीन, पहला बेटा होता है आरआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट टीआरएनए, या इसी को बोलते हैं एसआरएनए, और तीसरा होता है बेटा एमआरएनए, क्या बोलेंगे एमआरएनए। तो तीन प्रकार के आरएनए हमारे पास होते हैं, बात आपको याद करके जाना, तीनों मैंने लिख दिया बेटा यहां पे, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए आगे, ओके बेटा सुधीर, चलिए पहला पॉइंट बेटा लिखा है आर आर एन ए, लिखा है राइबोसोम, इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, देखो बेटा शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे आर आर एन ए, लिखते हैं आर आर एन ए, और आर का मतलब होता है राइबोसोमल आर एन ए, देखना बेटा आर जो राइबोसोमल लिखा ना, ये आर मतलब क्या है राइबोसोमल लिखा, ये तो जो मैंने आर लिखा ये राइबोसोमल आर एन ए लिखा बेटा, यह राइबोसोमल राइबोसोम में पाया जाता है और यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। बेटा ध्यान रखना कि राइबोसोमल आरएनए हमेशा और हमेशा बॉडी के अंदर प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, ये बात क्लियर समझ लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है, ये बात क्लियरली आप अच्छे समझ लीजिएगा भैया, कि जो राइबोसोमल आरएनए, इसका नाम ही पड़ा है राइबोसोमल, क्यों पड़ा है, क्योंकि यह बॉडी के अंदर प्रोटीन्स को बनाएगा, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, तो जो यहां पे लिखा है राइबोसोमल, ये बेटा हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाएगा, क्या करेगा प्रोटीन्स का निर्माण करवाता है, प्रोटीन बनाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन को बनाता है, पहला पॉइंट। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा दूसरा लिखा बेटा संदेश वाहक आरएनए, लिखा है मैसेंजर आरएनए, इसको बोलते हैं एम आरएनए, एम का मतलब होता है मैसेज, मैसेंजर, जैसे आप पढ़ते हो ना मैसेंजर, तो वैसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, क्या है लिखा है, यह केंद्रक से प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचनाओं को कोडान के रूप में राइबोसोम तक पहुंचाता है, मतलब यह सूचना देने का कार्य करता है, बहुत अच्छी बात लिखी है, कि संदेश वाहक आरएनए यह केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना को देने का कार्य करता है, मैसेज देने का कार्य करता है, कि कैसे प्रोटीन बनेगी, वो मैसेज देने का काम ही कर रहा है बेटा, या मैसेंजर, कौन कर रहा है मैसेंजर, दूसरा पॉइंट, ओके भाई बिल्कुल बेटा, और तीसरा पॉइंट बेटा हमारे पास लिखा है, तीसरा बेहतरीन पॉइंट, तीसरा बेटा अस्थानांतरण आरएनए, अस्थानांतरण को क्या बोलेंगे टी आरएनए, और टी का मतलब होता है ट्रांसफर, टी का मतलब क्या है ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब होता है टी, टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए, बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है, यह कोशा द्रव्य से अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है, ट्रांसफर कराने का कार्य करता है, मतलब अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाने का कार्य यही करेगा ट्रांसफर आरएनए। तो तीनों बेटा आरएनए आप याद करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल मैसेंजर मैसेज देगा, टीआरएनए ट्रांसफर करेगा अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक। फिर अगला पॉइंट लिखा है यहां पे, अगला पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है, कि विषाणु में कुछ आरएनए होते हैं
कुछ विषाणुओं में पाए जाने वाले आरएनए आनुवंशिक होते हैं, अर्थात लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। विषाणुओं के अंदर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य कर रहा है, बट हमारे अंदर आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करने वाला डीएनए होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, विषाणुओं में तो आरएनए है बट हमारे अंदर डीएनए है मेनली, ठीक है? पता इतनी बात क्लियर है बेटा? जल्दी से एसएस करके बता दो, क्लियर है? ये बात आप जरूर समझ लीजिएगा बेटा, जरूर। तो बेटा मैंने आरएनए के बारे में क्लियरली आपको बताया है, ठीक है, कि आरएनए कितने टाइप के हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या उनके वर्क हैं, क्या उनके कार्य हैं, ठीक? बिल्कुल बिल्कुल, हॉगलैंड और निक्की ने बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए बताइए जरा बेटा आज का सेशन कैसा लगा, सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताइए एसएस करके, और अगर किसी बच्चे का डाउट हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं कि हाँ क्या क्या आपको समझ नहीं आया, कोई अगर डाउट हुआ आपको तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बेटा। ओके धीरू, ठीक है, प्रियांशु, सचिन, ओके सचिन बेटा, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी बताइए किसी बच्चे कोई डाउट हो। ऋषभ, ठीक है बेटा, राहुल यादव, राम मिलन, ओके बेटा, ओके ओके। एक बार बेटा क्लास को जरूर शेयर करिएगा, हर जगह पे जरूर, हर जगह इसको पहुंचाइए, शेयर करिए हर जगह, बिल्कुल आग लगा दो, मजा आ जाएगा। चलिए भाई एक बार शेयर कर दीजिए, आप सभी को बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, सारे बच्चे परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई, ठीक है? बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, हमारे साथ लगे रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, आपको परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे टाइम आएगा क्लास को लगातार किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा, ताकि आप बच्चे समझ पाए उसको सारी चीजों को, ठीक है बेटा? चलिए आज के लिए बेटा इतना ही, ओके बेटा कमल किशोर, तुम्हारा नाम जपते रहें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलिए भाई आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।